अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व्यूज विद बैरिस्टर शाजियान जम वेलकम टू माय शो कोरोना uh, वायरस के हवाले से बात की जाए तो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने लपेट में ले लिया है इस वक्त बहुत ही नाघानी सिचुएशन है बहुत सारे कंट्रीज सट पटा गए हैं क्या मैथडोलॉजी अपनाएं और किस तरह से अपनी पब्लिक का इलाज करें जहां एक तरफ हमें बिल गेट्स की मेडिसन प्रपरेशन करने को सुनने में मिल रहा है वहां पर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी भी अपनी मेडिसन प्रेपरेशन में लगी हुई है और बहुत सारे मुल्क इस मेडिसन को तैयार करने में वैक्सीन को लॉन्च करने में और जितने भी ये मेथड्स हैं कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए उसमें लगे हुए हैं इसी तरह से ही जब देखा जाए कुछ कंट्रीज में उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन कुछ कंट्रीज में जब ये देखने को भी मिलता है कि जीरो परसेंट कोविड नाइन्टीन के असरा नज़र आते हैं जी हाँ न्यूजीलैंड को ले लें तो उसमें एक होप नज़र आती है जिनकी पब्लिक क्लियर है कोविड नाइन्टीन से कोरोना वायरस की वबा से इसी तरह से ही हम ये विश करते हैं कि सारी दुनिया में ये कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो जाए और सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि कोरोना वायरस को काबू में पा लिया गया है आज हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है उनका तल्लक वो है साइंटिस्ट है और एडवाइजरी साइंटिस्ट है वो ना सिर्फ ये के पहले यूरोपियन जस्टिस कमीशन के ग्रुप में रिसर्च ग्रुप में इन्वॉल्व रहे हैं बल्कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनका प्रोजेक्ट चला है साइप्रस फ्रांस की यूनिवर्सिटी लियोन आ, लियोन के शहर में और उसके अलावा मैड्रिड सो so, इस यूनि इन यूनिवर्सिटीज़ में उनके प्रोजेक्ट्स चले हैं मैसेडोलोजिस्ट हैं और उन्होंने भी मेडिसन जो है मेडिसन को आ, इन्वेंट किया है मेडिसन को जो अल्टरनेट मेडिसन है उसको उन्होंने डिस्कवर किया है तो उनको हम अपने प्रोग्राम में इस वक्त खुश कहते हैं और आप लोगों से उनको उनके क्वेश्चंस और आंसर्स आप भी हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें और अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं आपकी वसात के लिए और आपको अवेयरनेस देने के लिए इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है वेलकम करते हैं साइंटिस्ट uh, ताहर महमूद बहुत शुक्रिया जी ताहर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी वालेकुम सलाम ताहर साहब ये बताइएगा कि एक तरफ जब हम देखते हैं बिल गेट्स अपनी वैक्सीन को ईजाद करने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो मेडिसिन मार्केट में लेकर आए और तमाम दुनिया में उस मेडिसिन का इफेक्ट लेकर आए और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपकी काविशें भी हैं और आपने हर्बल से एक जो मेडिसन है उसको डिस्कवर किया है उसको दरियाफ़त किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये मेडिसन किस तरह से डिफरेंट है या ये मेडिसन के क्या असरात होंगे पब्लिक पे अगर वो यूज़ करते हैं और किस तरह से आपने ये इतना ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए इसको डिस्कवर किया शुक्रिया शाजिया बुनियादी तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल गेट्स के अलावा और भी बड़ी कंपनीज हैं जर्मन कंपनीज़ लगी हुई हैं जैपनीज लगे हुए हैं पूरी दुनिया ही लगी हुई है इस वक्त तो उनका जो कार का है उसमें ये बेसिकली जो तरीका कार हैं उसमें एक स्टम सेल्स का है एक प्लाज्मा का है और थर्ड जो है आपके लिए वैक्सीन का है तो ये ट्रेडिशनल मैथड्स चल रही हैं और हमें खुशी होगी कि अगर कोई भी रिजल्ट्स ओरिएंटेड अचीवमेंट हो जाए तो अच्छी बात है तो ये डायरेक्शन इसलिए मैंने पकड़ी थी कि जब uh, मैंने जो uh, दस पंद्रह डॉक्टर्स और हर्बिज थे इनके साथ मीटिंग्स अरेंज की तो इनको अपनी टीम में एंटर किया चूँकि हम एक रिसोर्स सेंटर है हम चैरिटी हैं हम बिजनेस नहीं हैं और ना ही वी डू ट्रेडिंग तो चूँकि रफाई अम्मा के लिए गरीब 99% से एटी टू नाइन्टी लोग तो गुर्बत में रहते हैं दे कैंट अफोर्ड द मेडिसन जो मॉडर्न फार्मेसी की हैं और जिनके पीछे रिसर्च के ऊपर बिलियंस लग जाते हैं तो फिर उसके पेटेंट और इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी और फिर उसके अगेंस्ट थाउजेंड्स उनको पे करना पड़ता है तो इसका क्या सदैब किया जाना चाहिए था हाउ वी कैन कंपनसेट दिस सिचुएशन तो उस सिचुएशन में मैंने ये देखा कि पहली जो हमने रिसर्च इनसे मंगवाई मैंने सारे इनके मैथड स्टेम्स और प्लाज्मा और जो बेसिक इनकी साइंसिस थी वो मंगवाई और उसके बाद फिर हमने फाइनलाइज किया कि हमें मुतबादल रास्ता ढूंढना चाहिए इसलिए कि सबसे बड़ी जो वार हुई है इस ज़िंदगी और का इस पूरी दुनिया के ऊपर इंसानों के वजूद से पहले वो वायरस और प्लांट्स के दरमियान हुई है तो प्लांट्स ने यर आफ्टर यर इनके साथ इस इस जंग में वो जीते हैं और उन्होंने सर्वाइव किया है तो इससे हमें यह क्लू मिला कि इनके अंदर हाईली एंटी वायरल एक्टिविटी मौजूद है जब ये पता चला तो फिर इसको हमने साइंटिफिक जर्नल्स में ढूंढा और हमें काफ़ी जर्नल्स में ये पता चला उनको पढ़ने के बाद कि प्लांट्स के अंदर तमाम एनिमल्स से ज़्यादा स्ट्रेटजीज और टेक्टिकल मैकेनिज्म मौजूद हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि ये वायरस को कैसे डिफीट करते हैं तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर हमने इस वायरस के ऊपर इट्स रिसर्च की ताज़ोर साहब आप थोड़ा सा काइंडली ये आप जो जिस तरह से मेडिसिन आपने दरियाफ्त ये की है तो ये आप अभी बात जो कर रहे थे प्लाज्मा के हवाले से थोड़ा सा पब्लिक को एक्सप्लेन करें आ, करेंगे आप प्लाज्मा के हवाले से किस तरह से प्लाज्मा वर्कआउट करता है और किस तरह से आपकी मेडिसिन आपने किस तरह से डिस्कवर की उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया प्लांट बेस्ड है या उसके साइड इफेक्ट्स हैं कोई या नहीं हो सकते ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा हाँ जी इसमें प्लाज्मा में तो बेसिकली जो आदमी रिकवर हो जाता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं तो वही उसको रिफ़ाइन करके प्लाज्मा की सूरत में दूसरे आदमी के खून में डाली जाती हैं तो उससे वो स्टिमुलेट होती हैं ताकि एंटीबॉडी रिएक्शन जो है उसके शुरू हो जाए इस तरह जो वैक्सीन बना रहे हैं जिसमें बिलगेट साहब भी हैं और उनकी बड़ी एक लाइड कंपनीज़ हैं जिनको वो इस वक्त स्पॉन्सर कर रहे हैं और सारे के सारे वैक्सीन वाले हैं तो उस रिसर्च में ये है कि वो क्लाउन वायरस बनाते हैं और क्लाउन वायरस का मतलब ये है कि एक जली बरूपिया वायरस आपके खून में डाला जाए ताकि आपकी बॉडी का समझे कि वायरस आया है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा करें तो अब अगर यही जो सी ओ वी डी वायरस है इसके नए स्ट्रेंस आ जाते हैं तो फिर ये रिसर्च रिस्क के ऊपर चली जाती है कि फिर आपको नया वैक्सीन बनाना पड़ता है जैसे इन्फ्लुएंजा की जो एवोल्यूशन हुई उस वायरस की तो फिर इन्फ्लुएंजा में भी इनके जो वैक्सीन थे इनको नए साइड के ऊपर डेवलप करने पड़े तो जो तीसरी साइड मेरे वाली है इसमें हमने अल्कोलिस का प्रोसेस को सोचा और इसलिए सोचा कि हमें ये पता चला कि ये वायरस जो है ये इस ये इतना मैजिकल है कि अगर ये अपनी असली हालत में रहे तो हमारे होस्ट सेल को मालूम नहीं होता कि ये वायरस जो है ये हमारा दुश्मन है और बल्कि इसकी जो स्पाइक्स है जो कांटे हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन है जब वो टच करती है सेल की तो तो होता है सेल को, तो ये है। है है को तो ये ये इस तरह ये फ्यूज होता है, और इसके अंदर एक भेजता से फिर वो रिप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू करता है और इन्फ्लेमेशन या वो होना शुरू हो जाता है और इनकी तरह बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमने ये किया जो टेक्निक यूज की कि अगर हम इसको डिजोल्व कर लें इसकी डेड है इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके लेर ए मौजूद होता है उसको तोड़ा जाए तो फिर क्या हो उसके ऊपर रिसर्च मौजूद थी कि समटाइम्स अगर वायरस के कुछ जो पार्टिकल्स हैं जो उसके फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं ब्लड में उससे एंटीबॉडीज बड़ी जल्दी पैदा होती हैं इस तरह की भी रिसर्च थी तो हमने उसको तोड़ने की कोशिश की बेसिकली तो हम ये महसूस करते हैं कि जब हमने इसको प्राइवेटली कुछ लोगों को ये कंपाउंड जो है डिफरेंट हर्ब्स का ये दिया तो ये उनका इन्फ्लुएंजा फॉर एग्जाम्पल वायरस उसकी भी डबल लिपिड है वो टूट गया उससे हमें ये हंड्रेड परसेंट होप यानी आ गई कि अब डेफिनेटली हम ये सी ओ वी डी वायरस जो है उसकी भी डबल एन जो लिपड एंड वेलप है उसको तोड़ेगा तो अब चूंकि इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल चाहिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए हमने रिक्वेस्ट की है अब ये गवर्नमेंट्स का मामला है कि वो कब ये करते हैं इसको किस तक करते हैं क्योंकि हम व्यापारी नहीं है या ट्रेडर नहीं है इन नाइस वे हमने उनको बता दिया है अब उनकी मर्जी है इफ़ क्लिनिकल टेस्ट का हमें ट्रायल की अपॉर्चुनिटी देते हैं मौका देते हैं वेल well इनफ तो मकसद कहने तो का ये, ये, है कि ये जो आपने uh, है, इसको कितना टाइम आपको ये सारे प्रोसेस में तकरीबन हमें तीन चार महीने लगे थे फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड तो मार्च तक हमने तकरीबन ये कुछ लोगों के ऊपर प्राइवेटली टेस्ट भी कर ली थी और उसमें इसमें कोई साइड so इफेक्ट नहीं तक है जो टेस्ट किए हैं वो जो नॉर्वेजन है उन पे टेस्ट आपने किया है अभी तक किन 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 लोगों पर आपने टेस्ट किए हैं इसमें कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई भी थे और कुछ जो है वो नाविजन भी थे तो नवीजन में ये था कि जो हमें सी के तो मिल नहीं सकते थे पेशेंट क्योंकि दीज आर लॉकड अप यहाँ पे यूरोप में तो लेकिन पाकिस्तान में मैंने कुछ थोड़ा बहुत इसके ऊपर हमने टेस्टिंग की है एंड इट वर्क्स वेरी वर्क वेल पैरल इसके मेडिसिन तो जो तो नॉर्वे में आप हमें मिले होपफुल रिजल्ट, रिजल्ट है उसका रिजल्ट आप उसे आपने टेस्ट किए हाँ जी हाँ जी जो हमने इसके पैरल यानी मैकेनिज्म को चेक करने के लिए कि लिपर्ड को तोड़ता है या नहीं तोड़ता तो क्रोनिक पेशेंट थे इन्फ्लुएंजा वायरस के क्रोनिक जिनके अंदर इम्यूनिटी भी लो थी बिकॉज दिस पर्सन हैड ये कैंसर के इनका ट्रीटमेंट हुआ था तो इम्यूनिटी भी बहुत कम थी तो इनका फ्लू गिर रहा था नाक से आंखों से पानी और इनके कानों के ड्रम बंस थे यानी सुन भी नहीं सकते इतना इंटेंसिव होता था तो इससे पहले वो सारे स्पेशलिस्ट के पास जाते रहे तो स्पेशलिस्ट कहते हैं जाके सो जाए घर रेस्ट करें पांच सात दिन के बाद ठीक हो जाएगा जब हमने ये उनको प्रोवाइड की तो इन थर्टी मिनट्स उनका फ्लू भी रुक गया और उनकी तबीयत ठीक होगी आज तकरीबन ये थर्टी फोर्टी डेज गुजर चुके हैं ही इज ऑलराइट राइट कोई उनको दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई तो इससे हमें मैकेनिज्म का पता चल गया इट डज तो आपने ये जो रिक्वेस्ट की है ये आपने कौन कौन सी गवर्नमेंट को दुनिया में आपने अप्रोच किया है नॉर्वन गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आ, कौन कौन सी गवर्नमेंट को आपने अप्रोच किया है आ, फर्दर इस मेडिसन को लॉन्च करने के लिए और अभी तक कितनी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अग्रीड हुई हैं आपके इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट में तो हमने के पी के को भी रिक्वेस्ट किया था और पंजाब गवर्नमेंट को भी किया था बलोचिस्तान गवर्नमेंट को भी किया था तो ये लगता है कि जब तक वहाँ पे जाया ना जाए उस वक्त तक ये पॉसिबल नहीं है नॉर्वे में हमने जो नाविजन गवर्नमेंट है इनकी हेल्थ सेक्रेटरी उसका नाम है सुनिवा उसको पर्सनली डॉक्यूमेंट भेजा है और उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी डायरेक्टरेट को दे दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट को तो अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आई तो चूँकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है यूरोप वालों के लिए कि हर्ब्स जर्मन में कुछ है ये आप अट्रैक्शन टूवर्ड हर्बल साइड लेकिन बाकी जो यूरोप है इसमें तो वो वैक्सीन वैक्सीन के ऊपर माइंड कंडीशनिंग हो चुकी है दे डोंट कम आउट ऑफ वैक्सीन वैक्सीन हर वक्त सो ये वैक्सीन को तो अभी मार्केट uh, में आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्या कहते हैं आप कितना टाइम लग सकता है वैक्सीन में और कितना टाइम लग सकता है आपकी जो मेडिसन है वो प्लांट बेस्ड मेडिसन उसको कितना टाइम लगेगा मार्केट uh, में आने में एवरेज कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे वाली मेडिसन है इसमें इतने फेजी से नहीं गुजरना पड़ता क्योंकि इट्स मोर लाइक अ फूड सप्लीमेंट क्योंकि ये सस्पेंशन की सूरत में है ये 100 परसेंट नेचुरल है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है नॉन टॉक्सिन है लेकिन दूसरी साइड के ऊपर इनकी जो वैक्सीन है इसको मंथ्स और यर्स भी लग सकते हैं तो पहले इतनी कंपनीज नहीं वर्क करती थी यानी मोनोपली थी इस सफ़े काफी ये टेक्नोलॉजी वैक्सीन बनाने की और ये वायरल बनाने की वायरस बनाने की काफी कमी है तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन इट माइट टेक सिक्स सेवन मिनिमम राइट सो अभी हमारी है वो... तो हमारे जी हमारे होगा कि हमने तो लास्ट फेज के ऊपर है कि ये नॉन टॉक्सिटी चेक कर ले कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डेंजरस हो और एक ट्रायल ह्यूमन ट्रायल रैंडम करना है किस तरह का भी करना है सिलेक्टेड करना है वी आर रेडी टू डू इट है जी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सो so, इसमें आप ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने बात की है कि आपका प्लांट बेस्ड ये सारा ये मेडिसिन का प्रोसेस है प्लांट बेस्ड सो इसके जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हो रही थी तो इसके बारे में कितने परसेंट चांसेस हैं हैं कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या इस मेडिसिन के बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे फिलहाल तो कोई ऐसी चीज नहीं आई मैं खुद यूज कर रहा हूँ फॉर माई ओन इम्यूनिटी मेनी किड्स आर यूजिंग इट हमारी फैमिली में और उसके अलावा वो जो नविजन था उसने यूज़ की तो चूँकि जब एंटीबॉडी प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर जिंक की कमी थी तो आफ्टर टू डेज उसको क्रैम्प्स थोड़े से फील हुए बल्कि आफ्टर फ्यू आवर्स तो उसके लिए मैंने उसको कहा कि मल्टी मिनरल ले लो यू नो दैट्स ऑल इट इज़ और जो ही उसने ली तो वो क्रैम्प ही जाते रहे अदरवाइज नो no साइड इफेक्ट क्रैम्प इसलिए कि मिनरल्स यूज़ होती हैं उस उस एक्टिविटी में जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करती है बॉडी जिसमें जिंक आयरन ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं मैनी मिनरल्स आते है हैं तो ऐसी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन क्लिनिकल टेस्टिंग में खुद बहुत पता चल जाएगा दूसरी चीज ये है कि जिनके स्टमक में एसिडिटी हो उन उनका थोड़ा सा हमने मुतात रवैया रखना होता है डोज दो, में और फिर ये चूंकि ब्लड को पतला भी करती है ये जो मेडिसन है ये भी हमने इफेक्ट्स इसके चेक किए हैं तो ये एंटीकॉगलेंट है कि ये खून को जमने नहीं देती और आपको पता है कि इसमें अब जो लास्ट रिसर्च आई थी वो कहते थे कि कोरोना जो है ये क्लॉट्स क्रिएट करता है तो उस लिहाज से भी ये हाईली सुटेबल है जो आदमी ऑलरेडी ब्लड थिनिंग गोलियां खाता हो उसके लिए उसको फिर वो गोलियां छोड़नी पड़ेंगी सो so, बाकी मेडिसन उनको छोड़नी पड़ेगी और ये मेडिसिन जब खा रहे होंगे तो ये जब इलाज ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो उनको बाकी मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये ब्लड थिनिंग करता है ये आपका मतलब है हाँ जी ब्लड थिनिंग वाली को ब्लड थिनिंग वालों को बाकी ये, ये बिल्कुल पैरेलल चल सकती है दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा है इट्स ओके यानी इसका कोई इस तरह का तो रिएक्शन नहीं, नहीं है कि अगर कोई और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका कोई आपस तो में इसको, आ, आ, कितना टाइम पीरियड लग जाता है रिकवर होने में ये मेडिसन अगर, लेस पोस कोई कोई मेडिसन कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है इसको अग्री करते हैं और वो मेडिसन ले लेते हैं कितना टाइम पीरियड कोई मेडिसन डिलीवर करना शुरू कर देते हैं तो कितने टाइम पीरियड में एक मरीज जो है कोरोना वायरस का वो रिकवर हो सकता है इस मेडिसन को खाने के बाद ये डिपेंड करता है कि कोरोना किस स्टेज के ऊपर है और किस इंटेंसिटी में है यानी दो चीज़ें जेन में रखें कि कोरोना अगर साइनस कैविटी में है नाक के पीछे जो कैविटी है और मुंह के दरमियान जिसे साइनस कहते हैं उसमें है तो फिर एक डिफरेंट टाइम है शॉर्ट टाइम है अगर गले तक है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और अगर ये ट्रेंकियाँ तक पहुंच गया जो नाली है जो टनल है जो जाके हमारे लंग्स को या फेफड़ों को जाके मिलाती है वहाँ पे है तो फिर थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर अगर वो लंग्स में चला गया हुआ है जो वायरस है तो फिर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन लेकिन लेने के बाद ये चीज़ गारंटीड है कि आदमी तीन घंटे के अंदर अंदर कहता है कि आई एम फीलिंग बेटर तीन घंटे के अंदर ये मेडिसिन असर करना शुरू कर देती है असर करना शुरू कर देती है राइट सो right. so, उसके बारे में ये आप बताइएगा थोड़ा कि जिस तरह से सिम्टम्स बहुत सारे लोग मुख्तलि रूमर्स होती हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सिम्टम्स है कोरोना वायरस अगर किसी को बुखार होता है अगर किसी को फ्लू होता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को तो आप थोड़ा डिफरेंस बताएंगे कि कौन सी कोरोना वायरस की पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं और कौन सी नॉर्मल फ्लू और बुखार की है जैसे कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान वो भी इस बात की बात कर रहे थे कि ये जस्ट एक फ्लू है बुखार है इस नथिंग एल्स तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इसकी सिम्टम्स फ्लू और बुखार से कैसे मुख्तल होती हैं जब पहली चीज तो ये है कि जो प्रोसेस है जैसे फ्लू का वायरस का होता है तो एग्जैक्टली इट्स सेम पैटर्न ये ज्यादा लीथल है यानी ये दूसरों को कंटेमिनेट जल्दी होता है और ये जिद्दी है यानी दूसरे इंफ्लुजा वायरस से आप कह लें कि ये ज्यादा जिद्दी बचा है घर में जैसे एक जिद्दी होता है अब ये जान नहीं पता उस वक्त तक जब तक इसको क्योर क्योर करने के बॉडीज चाहिए तो अब जिस आदमी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं उसको तो वो कुछ नहीं होगा ऑलरेडी मौजूद है या वो, यही क्वेश्चन मैं करने आ... लगी थी कि बात इस तरह से भी होता है ये आपने बात कर दी इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अभी आपसे ये क्वेश्चन कर लूं बात ये होता है कि लोग खुद ही रिकवर कर जाते हैं उनको जो खुद जी ही रिकवर करते हैं कितना टाइम पीरियड जैसे किसी के अंदर अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो कितना टाइम पीरियड्स लगेगा ऑटोमेटिकली रिकवर करने में विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन ये अब वही क्वेश्चन आ गया ये अब कागनेटिव प्रोसेस है एक हिस्सा है ह्यूमन कॉग्निशन का इंसानी नफस्यात का उसके सोचने के अंदाज़ का इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और दूसरा हिस्सा है कि उसकी फिज़िकल हेल्थ कैसी है उसमें एंटीबॉडीज़ जो वरासती एंटीबॉडीज़ हैं वो कितनी मौजूद हैं और जो साइमल्टेनियसली एज ए रिएक्शनरी रिस्पॉन्स पैदा होती हैं जूँ वायरस आने के बाद वो वो मैकेनिज्म कितनी तेज है तो ये उन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ चूँकि लोगों की जैसे एंटीबॉडीज़ के पैदा करने की और होने की मेकानिज़्म मुख्तलिफ है इसी तरह इंसानों की सोचने की भी मेकानिज़्म मुख्तलिफ है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अपनी जगह हैं अगर एक इंसान के पास ये टेक्निक आ जाए कि वो अपने सोचों को फियर की हालत से निकाल ले स्ट्रेस से निकाल ले घबराहट से निकाल ले तो वो डायरेक्ट मैसेज भेजते अपनी बॉडी को कि उन सेल्स को और उसमें उसकी जो एंटीबॉडीज जो हैं वो फियर वाली एंटीबॉडीज नहीं पैदा होंगी ये एक तरीके से मैं बता रहा हूं यानी जब so आप दो की की आएंटी हालत एंटीबॉडीज होती है एक एंटीबॉडीज जो है वो फियर की हालत में होती है दूसरी एंटीबॉडीज जो है वो हालत में होती है नहीं 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 क्योंकि फियर जो बात है वो थे प्रोग्राम से पहले वो बहुत अच्छी एक बात कर रहे थे आप वो मैं चाहूंगी कि आप दोबारा यहाँ पर आप यहाँ पर रिपीट कर दें जो... कि खुराक का और सोचने के अमल का कितना असर है ये सारी बीमारियों के साथ निपटने के लिए पहले जो एंटीबॉडीज के ऊपर आए तो बी सेल्स तो और टी सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज है उनका फिजिकल साइड है वो यानी आपके अंदर वो मौजूद है फिजिकल फॉर्म में जो आपकी थॉट्स से इम्यूनिटी आपने डेवलप करनी है जो थॉट है वो भी स्टिमुलेंट है एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का अगर आप फियर में हैं तो आपकी थॉट्स जो मैसेज आपके सेल्स को जाते हैं आप एक ख़ास किस्म का एंजाइम जब भी आप फियर में होंगे वो पैदा करते हैं तो वो रिटार्ड करता है एंटीबॉडीज के प्रोसेस को यानी स्टिमुलेट करने में यानी उसको नाकाम करता है जब भी आप फियर में होंगे अगर लोग ये कहें कि ये एक ऑर्डिनरी फ्लू है जैसे दूसरा हुआ है मैं डेफिनेटली अल्लाह ताला की मदद से मुझे अल्लाह ताला महफूज रखेंगे और मैंने कोशिश पूरी करनी है इसके उसके ऊपर ओवरकम करने की जैसे जब नजलाज काम होता था तो आम लोग आदमी लेट रहते हैं रेस्ट करते हैं एहतियात करते हैं इसमें प्रिवेंशन या एहतियात के ज़्यादा लंबी लिस्ट है यानी छोटी लिस्ट नहीं है ये लंबी लिस्ट है लेकिन सोचने के अंदाज की भी एक लिस्ट है कि आप कैसे अपने आप को एक आदमी को आप बताते हैं तुम पॉजिटिव हो गए हो वो तो मो, उसके उसके अंदर जो है ना वो फ़ियर क्रिएट हो जाता है क्योंकि ये अब मीडिया में जितनी डेथ्स होती हैं तो सोचने वाला सोचता है किससे हुई है ये जी कोरोना वायरस से हुई है वो ये सोचना शुरू हो जाता है कि मैं भी इस लिस्ट में आ रहा हूं जो मरने वालों की है उनको कहें कि आप जीने वालों की लिस्ट में अपना नाम रखें खुदा के लिए पहले ही, ये आपने बहुत अच्छी बात की है अभी के बहुत सारे लोगों को इम्पेक्ट पड़ता है फियर से फियर से लोग मर जाते हैं बाजुकात लोग बीमारी से मरते हैं वबा है फिर जो है वो फियर है ये जो, जो चीज़ें हैं आप किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे जस्टिफाई करेंगे एक तरफ तो अवेयरनेस देना जरूरी है पब्लिक को ताकि पब्लिक अपना प्रोटेक्शन कर सके और दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो दूसरी तरफ लोगों को आप कह रहे हैं कि फियर के, के माहौल में भी नहीं रखना ताकि सिकलॉजिकली लोग मजबूत हो सके अब दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है और अवेयरनेस देना कितनी जरूरी है और लोगों को इस फियर से दूर रखना कितना जरूरी है ये आप बताइएगा लेकिन उससे पहले नाजरीन से ये मैं बात करना चाहूंगी नाजरीन आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक फेसबुक पे अभी हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और मैसेजेस किए हैं उनके थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं हमें राजा इमरान अली ने ज्वाइन किया है हेलो और जानी शराफत खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है वेलकम टू तो दिस शो अमानुल्ला अमानुल्ला एडवोकेट है वेलकम गोहर अली मलक जवाद जगम ने हमें ज्वाइन किया है जॉर्ज कैनी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस फज़ल बलोच ने ज्वाइन किया है और बहुत सारे हमारे बाकी जो कोलिग्स हैं स्पेशली स्पेसिफिकली जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं मेडिकल के प्रोफेशन में लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में और ह्यूमैनिटी में आकर लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं जिस तरह से आज हमारे पास जो साइंटिस्ट मैथडोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है ग्रेट वर्क है पब्लिक के लिए है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसी तरह से हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी अपनी कंट्रीब्यूशन करें अवेयरनेस में भी कंट्रीब्यूशन करें और उसके साथ लोगों को हेल्प आउट करने में कंट्रीब्यूशन करें और जितना आपसे हो सकता है दूसरों की हेल्प करें इस कोविड नाइनटीन में अपने इर्द गिर्द के लोगों लोगों को देखें अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है आपके पास अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया हुआ है तो उनको सपोर्ट करें अगर किसी को मेडिसन की ज़रूरत है उस सिलसिले में आप अपनी कोशिशें जारी रखें और इसी तरह से अवेयरनेस के सिलसिले में अवेयरनेस फैलाएं और अपनी अपनी गवर्नमेंट की आप लोग सपोर्ट करें ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें और इस वक्त प्रोग्राम में जो कोई हमें ज्वाइन कर रहा है अपनी सजेशन आप हमें भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही अजीम उनका काम है मेडिसन हर्बल मेडिसन के हर्बल हर्ब्स से उन्होंने मेडिसन जो है वो ऐजाद की है जो कि प्रॉबली मुख्तफ कंट्रीज में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट तो इस कोर्स में आप लोग भी अपनी कंट्रीब्यूशन करें और अपने क्वेश्चन आंसर जो भी कंट्रीब्यूशन है सजेशन हैं आप हमारे साथ रहें ठीक है बहुत शुक्रिया जो बाकी लोग हमें देख रहे हैं अभी हम ये जो अभी क्वेश्चन किया था साइंटिस्ट uh, uh, ताहर महमूद साहब से कि हम कैसे बैलेंस करें फियर को और अवेयरनेस को तो ताहिर साहब आप काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा बता दें एक्सप्लेन कर दे पब्लिक को बल्कि मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान को भी क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी कन्फ्यूज़ होते हुए नजर आ रहे हैं सीन मेकिंग में कमी नज़र आ रही है पॉलिसीज में कमी नज़र आ रही है और उनको किसी रस्ते की समझ नहीं लग रही आप यहाँ पर काइंडली uh, चूंकि आप एडवाइजरी साइंटिस्ट हैं हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम

यानी उससे क्या हासिल करना चाहते हैं कि शौर किस चीज़ का देना है तो शौर के बजाय अब हम ये कहते हैं कि एक तरफ फेयर से बचाना है खोफ से लोगों को और दूसरी तरफ मुर्ताद करना है इसके ऊपर हमारी इक्वेशन बनेगी टू तो बी केयरफुल यानी अवेयरनेस जो है वो केयरफुलनेस की तरफ है टू तो बी सेंसिबल टू तो बी रिस्पॉन्सिबल कि रेशनली आप हर कंट्रावर्शल इशू को यानि आम इशू को कंट्रावर्शल ना बनाएं आप टू द पॉइंट जाएं दुनिया में है वायरस या नहीं है एविडेंस तो मौजूद है कि इतने लोग अमेरिका में इतने लोग यूके में पहले तो इसके ऊपर बिलीव करें अपनी कौम को हमें बताना चाहिए कि ये मामला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये बताने का और लोगों के मरने का कि आप वो हैं जिन्होंने नेक्स्ट मरना है इस चीज़ से बाहर निकल आए हमेशा वफात वो लोग पाते हैं जिनके अंदर कुत मदाफत कम होती है कुवत मदाफियत यानी इम्यूनिटी कम है और उसकी भी वजूहत होती हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं कोई बोथ हैवी स्मोकर है उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं किसी की किडनीज काम नहीं करती कि वो डिहाइड्रेट होता है तो उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है जब ये कोरोना क्लॉटिंग शुरू हो जाती है इन्फ्लेमेशन के बाद तो वो हार्ट की तरफ या ब्रेन की तरफ जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है दिल की तरफ जाता है वो क्लाट तो हार्ट अटैक हो जाता है तो हमने अपने जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनको ये बताना है कि इसमें इतिहात है यानी खौफ नहीं है खौफ देखें एज़ ए मुस्लिम एज ए इंसान एक हिस्सा है एज ए मुस्लिम हमें किस चीज़ का खौफ होना चाहिए हमें खौफ करोने का नहीं होना चाहिए हमें अपने उन अमाल का होना चाहिए जिसमें कहीं हमने कहीं म किया हो किसी के साथ ज्यादती की हुई हो और किसी की कोई चोरी की हुई कहीं कोई करप्शन की हुई हो किसी का माल लूटा हुआ हो इन चीज़ों से खौफ खाना चाहिए ये किसी का दिल दिखाया हो कि बच्चों बच्चों के साथ आपका रवैया अच्छा ना हुआ हो अपनी वाइफ के साथ ना हुआ हो अपने बहन भाइयों के साथ ना हो ये चीज़ें खौफ खाने की और फिर मस्किनों गरीबों के साथ जिनको अक्सर लोग गरीब करके तो वो मुस्कुराहट से भी इतने कंजूस है मुस्कराहट नहीं दे सकते मकसद कहने का ये होफ खाने की और, और बड़ी behavior, चाहिए एक तो ये है कि फाइनेंशियली लोग सफर कर रहे होते हैं लेकिन दूसरा जो बिहेवियर्स होते हैं सोसाइटी के दूसरे लोगों के बिहेवियर्स वो इतने अजीब किस्म के होते हैं कि सोसाइटी में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है सो so, इस सिलसिले में आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपने बिहेवियर्स को ठीक रखें सपोर्टिव और काइंडनेस का बिहेवियर लेकर आए और एक जितने एक भी uh, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सफरिंग uh, है लाइफ में सो so, जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं अपनी काइंडनेस के जरिए पेश आते हैं और किसी भी लालच के बगैर कोई भी तबका है वो तबका किसी से भी बिलोंग करता है लेकिन अपनी काइंडनेस के ज़रिए आप बहुत सारी दुनिया में बड़ी चेंजेस लेकर आ सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात आपने की है uh, इसी सिलसिले में एक, लेकिन एक आपने एक और सवाल किया था गवर्नमेंट्स जी 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 पहले तो पहले था। था। कि को क्या एडवाइस करना चाहिए अच्छा एडवाइस करना चाहिए गवर्नमेंट्स कमजोर भी होती हैं मजबूत भी होती हैं बेवकूफ भी होती हैं अकलमंद भी होती हैं इसी तरह पब्लिक भी अकलमंद होती है बेवकूफ होती है तो इन हालात में दंगल नहीं बनाना चाहिए जैसे टीवी के ऊपर बैठ के अक्सर आप सुनते हैं उनका रवैया उनका तरीका कार लड़ाई झगड़े वाला ये नहीं होना चाहिए घर में प्रॉब्लम हो आग लगी हुई हो आपने आग को खत्म करना है उसके ऊपर पानी डालना है कोई पानी भरना है कोई बाल्टी कोई लौटा जो भी आप सही कह रहे बल्कि या आपने आपस में लड़ना है घर में एक प्रॉब्लम आई हुई, हुई है उसको आपने हमत से विजडम यानी आपने रेशनल सोच के विजडम के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ गुड आर्गुमेंट्स एज ए रिफॉर्मेटिव तो यहां पर पोलिटिस हो जाता है जब तो इससे भी गवर्नमेंट जो है देखे ना यूके में कितना शोर मचता है हमारे नॉर्वे में जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी करती है पब्लिक कुछ मान रही है कुछ ट्रस्ट करती है तो इसलिए ये तीन हिस्से हैं नंबर वन गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के पास राइट मैथड्स हैं उनके पास एडवाइजरी साइंटिस्ट हैं जो पीछे से एडवाइज करते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या पोलिटिशियंस को वट इज द राइट अप्रोच गवर्नमेंट ने एक बिल्ड बिल्डअप करना होता है और नैरेटिव ऐसे हाबो में आया ये नहीं होगा आपने नैरेटिव नहीं, नहीं होगी एग्जैक्टली हो तो फिर, तो हो वो, वो exactly. फिर आ गया नैरेटिव बनाने तो नैरेटिव भी हुँ. आपने मैप करना है कि आपकी कौम की कॉग्निटिव लेवल नफ्सिया हालत कैसी है वो तो एजुकेटेड नहीं है अब हमने कौन सा टे, टे, टेक्टिकल मेथड यूज कर रहे हैं कि हमारी कौन को अवेयरनेस पैदा हो जाए नरेटिव इस तरह होने चाहिए कि नॉलेज बेस उनका लिंक हो टू एक्जैक्टली टू द रिसपियंट लेवल ये नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ ये नैरेटिव सही है तो सुनने वाले को भेज देना नैरेटिव मुझे तो नहीं चाहिए आपने चेंज करना है दूसरे को रेसिपियंट लेवल को मैप करना होता है सोसाइटीज में ये होना चाहिए फिर तीसरा ये कि नेशनल प्रोविंशियल रीजनल डिविजनल एक कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान उसे कहते हैं क्शन एंड हैंडलिंग प्लान जैसे डिजास्टर एंड प्रीपेयर मैनेजमेंट में आपके यूके का डिपार्टमेंट बनाता है नॉर्वे का बनाता है यूरोप का बनाता है वो होना चाहिए और फिर अगली चीज जो है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है क्वेश्चन पर ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट ही ना अहल हो और गवर्नमेंट इस तरह के एडवाइजरी हाँ करनी पड़े तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे अब बेसिकली इस वक्त जो मैं जिस चीज के ऊपर जोर देता हूं कि हम मैक्सिमम इन पॉजिटिव मैनर मैसेजेस भेजते रहे गवर्नमेंट को ये इसी तरह है कि बच्चा एक दीवार के ऊपर खड़ा हो पतली दीवार हो छोटी सी तो आप कहें गिर जाओगे और नलायक के बच्चे और नलायक के बच्चे गिर जाओगे वो गिर जाता है इस वक्त नलायक बच्चों को सहारा देने की जरूरत है इनको लॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत है और ये विस्टम है कि आप कहें कि आप आप कमजोर है इस मामले में कोशिश करें मैक्सिमम कोशिश करें हम क्या ओवरथ्रो करवाएं गवर्नमेंट को नौ िटी की, की सख्त जरूरत है अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी इट विल क्या देखते हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से अब दुनिया किस तरफ जा रही है अब दुनिया इस तरह जा रही है कि पहली चीज तो हमें ये पता चल गया है कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड मैस पॉपुलेशन जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खाने के बाद और नेचुरल लाइफ से दूर होने के बाद नेचर से वी आर मच मोर फार अवे मसलन ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज हमारी वो वाली नहीं रहीं हम तो हर वक्त टीवी के ऊपर बैठे हैं फोन के ऊपर उंगलियों की एक्सरसाइज हो रही है

आने वाले वक्तों में अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है तो इस सिलसिले में जिस तरह से आपने कहा अगर फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाए खुराक भी नेचुरल ना रहे और आप टेक्नोलॉजी के सहारे पर तो, तो हम टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं सो तो उसमें तो ज्यादा वनरेबिलिटी तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में जी हम वलनरेबल है कि एक कोरोना जो वायरस है उसने आके पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है ये एक पहली एंट्री है करोना like जिसने पहले ला दिया आप इमेजन करें कि इसके बाद भी तो करोने आ सकते हैं वी आर वेरी वेरी वलनरेबल ये तो एक हिस्सा है अब इसके पोलिटिकल इफेक्ट्स होंगे इसके इकोनॉमिकल होंगे इंसानों के सोचने के अंदाज होंगे मुखलिफ कंट्रीज में क्राइसिस पैदा होंगे क्योंकि इंसान तकसीम होंगे इंसानों का रेशनल बिहेवियर चेंज होगा कब होता है जब होफ पैदा हो जब फियर पैदा हो जाए जब इकोनॉमिक सिचुएशन तो इसका मतलब ये है कि एक कोगनेटिव कोरोना जो पहले शुरू हुआ था जैसे टेररिज्म ये इस इसका कॉग्नेटिव कोरोना भी था जिसके इफेक्ट्स आए ही ही अब ही आ गया ही फिजिकल कोरोना जो फिजिकल फॉर्म में है जो आगे है वो इकोनॉमिक कोरोना है उसने मजीद फियर और प्रेशर डिवेलप करनी हैं तो नए कंट्रीज आप देखेंगे इमर्ज होते हुए कुछ कंट्रीज आपको देखेंगे डिस्टेबलाइज होते हुए डिवाइड होते हुए तो वार्स के भी चांसेस हैं ये वो सिचुएशन होती है जहां लीडरशिप रेशनल बिहेवियर के ऊपर नहीं होती और सर्वाइव करने के लिए अटेंशन डाइवर्ट करती हैं ये भी होता है कहीं कहीं चुदराट गिरते गिरते भी चौधरी जो है वो लेके अपनी आखिरी तलवार जो है वो बाहर आ जाता है कि अब मैंने इससे सर्वाइव करना है तो अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टी डायरेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का आगाज है इस गोइंग टू अप इन ट्वेंटी ट्वेंटी मैंने आज से साल पहले यह कहा था कि 2020 ईयर कि जहां पे एक फेज खत्म होगा और एक नया फेज शुरू हो जाएगा ये लिंक के ऊपर आप मेरी अपडेट देख सकते हैं ये जो अभी आपने बहुत एक ए, बहुत ही जिसे थ्रेटनिंग बात कह ले और बहुत अलार्मिंग अलार्मिंग सिचुएशन ये जो अभी आपने बात की है कि हो सकता है कि दुनिया या कंट्रीज वॉर की तरफ चले जाएं या वो कंट्रीज जो अभी न्यू सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो मर्जिंग की तरफ भी जा सकते हैं तो कौन से कंट्रीज हैं जो मर्जिंग की तरफ जा सकते हैं और उनकी क्या पॉलिसीज हैं जो इस वक्त दुनिया में फिट होती हुई नजर नहीं आ रही देखिये जी जितने पहले निजाम थे उसमें सोशलिज्म थी राइट right? मार्क्सिज्म थी हैज गॉन ओवर ठीक है सोशल वेलफेयर स्टेट की जितनी हैं स्टेट्स uh, वो स्टेबिलिटी के करीब होंगी जो इंसानों की वेलफेयर करने में कामयाब रहेंगी वो स्टेट जो फुली कैपिटलाइज्म की तरफ जाएगी उसके भी डिजास्टर के चांसेस हैं क्योंकि अब वो जो साइकिल था इकोनॉमिक्स का जिसके ऊपर कैपिटलिज्म चल रही थी वो हो गया स्लो और कैपिटलिज्म का सारे का सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ द मनी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हाउ मच दे आर स्पेंडिंग उसी के ऊपर सारा कंपटीशन उस मार्केट का चलता है और उसकी डायरेक्शन चलती है अब ये सारा प्रोसेस स्लो होगा अब जो भी कंट्री कोरोना से बाहर जल्दी आएगा जो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को होल्ड कर जाएगा दैट विल सर्वाइव वेरी वेल और जिसने सर्वाइव नहीं करना और मजीद अपने घर में कन्फ्लिक्ट लानी है पावर्टी लानी है क्राइसिस है लोगों में अनरेस्ट लानी है शुरू करनी है तो वो डिजास्टर की तरफ जाएंगे वो कोई भी कंट्री हो सो so, पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि ये इन सब चीजों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक नजर आ रहा है आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से उनकी जिस तरह से पाकिस्तान में रिसोर्सिस हैं उसमें मादनियात है एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं तो उसमें uh, क्या सूर्त हाल आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज या गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन होने चाहिए जिससे मुल्क की इकोनमी को बेहतर बनाया जा सकता है अब ये तो मल्टीपल डिसीजन चाहिए चाहिए होते हैं एक स्टेट एक मशीनरी होती है एंड वो जो मशीनरी है उसका एक सिस्टम डायनेमिक है एक प्रोसेसिंग है उस प्रोसेस को जितने इंटेलिजेंट मैनर से जितने वाइसली आप हैंडल करेंगे जितने नॉलेज बेस्ड होकर तजर्बे नहीं टू बी नॉलेज बेस्ड आपको पता होना चाहिए कि ए से बी जाना है तो ये रसा कैसा है इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे जो इसको काउंटर करेंगे और हर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना इन टाइम और पूरा जो मेथड है जो उसका सिस्टम डायनेमिक है यानी एक लाग आप बनाते हैं आप घर से अपने ऑफिस तक आने में वो कितने ड्राइवर वेरिएबल्स हैं जो आपको लेके आते हैं गाड़ी में बैठ के आए पैदल आए और कितनी फोर्सेस हैं जो आपको स्टॉप करें जब आ, आप ये सारे जो आपको ड्राइव कर रहे हैं एक तरफ और जो आपको रिटार्ड कर रहे हैं जो आपको स्लो कर रहे हैं जब इनका पता आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इट विलफॉर्म करें सेम इज अ स्टेट स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जितने नॉलेज बेस्ड होंगे उतने ही वो टेक्निकल होंगे उतने ही वो स्किल्ड होंगे उतनी उनकी एक्सपर्टाइज होगी उतनी उनकी महारत होगी हर गैप को एनालाइज करना बिफोर द टाइम ये नहीं कि घर में सैलाब आ गया तो फिर उठ शोर मचा देना यानी तैयार होना और जब तैयार नहीं हो सकते तो फिर छोर मचा देना तो इस तरह नहीं होते कंट्रीज जो स्टेट होती है को ना रखना और से सिंगल के पे आगे जाना ये तो हमें सब कुछ पाकिस्तान में नजर आ रहा है लेकिन अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए हम मैं यहाँ पर बात करूंगी दो कंट्रीज की पहले न्यूजीलैंड की और फिर अमेरिका की अब न्यूजीलैंड को अगर देखे जाए तो न्यूजीलैंड में यह कहा गया है वहां पर जीरो परसेंट कोविड नाइनटीन के असरात हैं उसकी क्या वजूहत नजर आती है आपको अब देखें जी जो न्यूजीलैंड के लोग हैं और उनके अकाउंट्स में जो लिविंग डिपॉजिट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है उसमें कितने पैसे हैं और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के रिसोर्स कितने हैं कि वो लोगों को तीन महीने तनहा दे सकते हैं अनएम्प्लॉयड लोगों को या जॉब नहीं कर रहे और उनकी जिसे कैश फ्लो कहते हैं हमारी इकोनॉमिक टर्म में डेली कैश फ्लो वो कंप्लीट कर सकते हैं तीन महीने चार महीने तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के क्या वो ही रिसोर्स हैं वो तो नहीं है तो इसलिए हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं उन नेशंस को जो हाईली डेवलप्ड है जिनमें अवेयरनेस है जिनमें ट्रस्ट है अपनी स्टेट के बारे में यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट है और उसमें हमारे पोलिटिकल भाइयों का हिस्सा है इसमें तो कोई शक नहीं उसमें जो भी एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर लास्ट सिक्स जिसमें हमने एक सिटीजन डिवेलप किया है उसकी क्या शेप बनी है उसके भी रिजल्ट हैं और जो न्यूजीलैंड वालों ने सिटीजनशिप क्रिएट की है इंसानों के अंदर हर इंसान कपड़े क्या पहनता है वो एक हिस्सा है हाउ उसका मेकअप कैसा है वो एक हिस्सा है बट हाउ आर ह्यूमन बींग थिंक कैसे वो लॉजिकल उसकी रीजनिंग है हाउ रेशनली ही इज ऑल फैक्टर्स काउंट वेरी वेल तो अब आप कंपेयर करें पाकिस्तान की अवाम को और न्यूजीलैंड की ववाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को पाकिस्तान के डॉक्टर्स को मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन नाइन्टी नाइन परसेंट तो इसका बिजनेस अ इस ट्रेड के बंदा पहले जाता है पीछे अभी पहुंचता है तो वो पहले ही कहते हैं कि एक बेड का डेढ़ लाख रुपया होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में इसी के लोग मर रहे हों तो फिर भी वी हैव टू इंसानों की कदर अब... नहीं करनी और जैसे ही पता लगे कि ये मरीज है और ये हमारे हाथ मरीज आ गया है तो उसके रेट लगाने शुरू कर देने ये वो अलमिया है कि जिसे इंस्टीट्यूशंस लेवल पे गवर्नमेंट को देखना है उनको अकाउंटेबल ठहराना है तो यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी जिस तरह से ताहर महमूद साहब आपने बात की दुनिया में मुख्त ममालिक में मुख्तफ किस्म के असरा पाए जाते हैं कोविड नाइन्टीन के और कोरोना वायरस के उसमें कौमी सोच भी आ जाती है उसमें आपका सिकलॉजिकल इफ़ेक्ट आपका फ़िज़िकल इफ़ेक्ट और आपके रहने सहने का तरीक़ेकारसरसाइज़ मैंटली स्ट्रॉग होना ये सब चीज़ें आ जाती हैं अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि न्यूजीलैंड में यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन को थ्री मंथ्स तक सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है आपसे कि अगर यूएसए में देखें पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को ईद पे खुला छोड़ दिया गया उनको जो वायरस है वो कंटेमिनेटेड होके अब यूएसए में जब जॉर्ज फ्लोइड की वहां पर डेथ हुई किलिंग हुई उनकी पुलिस के हाथों में उसके बाद जिस तरह से वहां पर सारा एक प्रोटेस्ट चले उन प्रोटेस्ट में देखने में ये आया कि लोग सड़कों पे बाहर निकले लोग वहां पर हजूम भी इकट्ठे हुए तो ये क्या वबा वहां पर जब प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठे हुए तो इस वबा ने उनको इम्पेक्ट नहीं किया फिर क्या इफेक्ट हुआ कोरोना वायरस का फिर ये किस तरह से पाकिस्तान से डिफरेंट हो सकता है कि जहां पाकिस्तान में मार्केट खोल दी गई तो कोरोना वायरस बढ़ गया लेकिन अमेरिका की सड़कों में प्रोटेस्ट हुए तो कोरोना वायरस की रेशो के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा Uh, अब पहली चीज़ तो ये है कि जो ए, एक हिस्सा जो सवाल का है कि प्रोटेस्ट इससे पहले भी यानी मुख्त लोग विक्टिमाइज हुए आ, आ, सारी पुलिस गलत नहीं होती ला इन्फोर्समेंट कोई एक आदमी बीच में आदमी ऐसा भी होता है एक्सेप्शनल हो केसेस तो पहले भी होते रहे हैं लेकिन इस तरह नहीं हुआ अब मैं ये बता रहा हूँ ये कोरोना के इफेक्ट्स जो हुए हैं कि लोग ऑलरेडी दे आर एंग्री पीपल नाव फियर से थी एक स्टेट जो है जैसे आपके ऊपर इफेक्ट्स होते हैं तो अब रिएक्शनरी रिस्पांस भी होती है लोगों की और मुख्य लोगों की मुखलिफ होती है इसे में पता चलता है कि लोग इतने भी थे वो बहुत नाराज थे वो चाहे ट्रंप होता या कोई और शख्स होता उन्होंने रिएक्ट करना ही कर तो ये तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन हो चाहे कोरोना की है दोनों को भी समझिए कि लोगों के अंदर एंगर की जो इंटेंसिटी है वो किस लेवल तक पहुंच जाती है एक सतह के ऊपर तो अब जो आ, दूसरा हिस्सा अब कंपेयर करें हम अमेरिका को और पाकिस्तान को तो देर आर डिफरेंट वेरिएबल्स पाकिस्तान में हमारे मोस्ट लोग बहुत अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन एक माइनॉरिटी हर मुल्क में होती है वो वहाँ पे भी मौजूद है

इस सिलसिले में आपकी क्या हिमत अमली होगी और किस तरह से आप मार्केट में इसको लॉन्च कर सकेंगे जबकि बड़ी बड़ी जो मगर है वो मार्केट में फिर रहे हैं सिर्फ उसको प्रॉफिट मेकिंग की पड़ी हुई है इंसानियत की कोई कदर नहीं इस वक्त सोच रहा स्पेशली वो कंपनीज जो इस वक्त मेडिसन को मनी मेकिंग मशीन बनाना चाह रही है दुनिया में इस कोविड नाइन्टीन से फ़ायदा लेना चाह रही हैं तो आप अपनी पॉलिसीज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे आपके पास क्या प्लान है पहली चीज ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये बड़ा अच्छा सवाल है ये हमें उनको एडव... हदायत, हदायत रहमान की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव है अभी ताहर साहब जो है वो इसका जवाब भी आपको देंगे जी। जी, आ, हदायत जी। हदायत भाई पहले हदायत तो दुआ करें कि हदायत रहमान साहब ये दुआ करें कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए क्योंकि अब दूसरा हिस्सा ये है कि इनकी कंट्रीब्यूशन भी है साइंस की कंट्रीब्यूशन भी है जहाँ पे कुछ चीज़ कंपनीज़ ने राइड की है पैरासीटामोल की गोली बनी पैनाडोल की बनी लोगों को रिलीफ मिला दीज आर पॉजिटिव थिंग्स लेकिन वक्त के साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो हमेशा मिलियंस इन्वेस्ट करती हैं टू तो फाइंड अ न्यू मेडिसन फॉर क्योर ठीक है और गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी दूसरी तरफ कोशिश होनी चाहिए कि लोग बीमार ना हों ये पैरेलल होना चाहिए अब गवर्नमेंट्स के पास वो मेकनिज़्म मेथड्स नहीं हैं कि लोगों को आ, आ, यानी मेंटली उस लेवल के ऊपर लेके आए कि वो नेचुरली अपनी यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो मर्जी मुंह में आए आप बक दें जो मर्जी आए वो आप काम कर दें अब ये थोड़ा सा मामला यहाँ ये जो फ्रीडम है इसने सारे मामला ख़राब किए हुए हैं लेकिन यहाँ पर, पर एक गवर्नमेंट तो जो है वो सपोर्ट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसको तो आप नहीं समझते कि उसमें बहुत बड़ा एक फर्क आ सकता है जी पहले तो हम आएंगे दायित सवाल की तरफ, के फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस वक्त उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट किए हैं वैक्सीन के ऊपर अब वैक्सीन बनेगा तो उन्होंने क्या अपनी जेब से देनी है कि वैक्सीन को सब्सिडाइज करें दे आर गोइंग टू सेल दिस वैक्सीन ऑन द प्रॉफिट अगर उन्होंने पांच मिलियन लगाया है तो उन्होंने दस मिलियन बनाना है यानी पांच मिलियन को भी रिकवर करना है और ऊपर पांच मिलियन भी बनाना है ये तो है अंदाज उनका अब हम तो वो व्यापारी नहीं है बेचने वाले गोलियां और मेडिसन वी आर नॉट फार्मेसी हम तो एक आप कहें फ्लाई आमा के लिए काम कर रहे हैं एक रिसर्च की ताकि इस रिसर्च में ये भी ना समझे कि ये कोई पुड़ी वाले यकीम साहब आ गए हैं वी गैदर्ड डॉक्टर्स वी गैदर्ड डिफरेंट गुड माइंडस हर्बिस ताकि मोड ऑफ एक्शन जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकें कि ये करेगी क्या हर्बल मेडिसन दूसरे तो ये भी नहीं कलवंजी का बताते हैं बताते हैं नहीं कलवंजी करती क्या है आज ये हमारी यानी पंजाब की आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे कलवंजी के बारे में भी क्योंकि ये एक होम रेमेडी है हर एक को अवेलेबल है लोगों के लिए एक्सेस इस, इस भी आसान है और ये हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो फरमान था वो कलवंजी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव किस्म के कंस्ट्रक्टिव किस्म का था तो कलवंजी के बेनिफिट्स अगर आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम की वसात से लोगों को बताएं तो आपका मैसेज इस वक्त पूरी दुनिया में सुना जा रहा है तो हो सकता है लोगों को इसका बेनिफिट हो जी वो भी आएंगे लेकिन अभी हदायत भाई का जो सवाल था उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे तो फार्मा उसको आप वो कंप्लीट नहीं तो आपने अगला वो आ गया जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका अपना एजेंडा है ठीक है जी आपका अपना एजेंडा होना चाहिए हमारा अपना एजेंडा है हमारी अपनी सोच है कि 90% लोग दुनिया के ऊपर गरीब है हर हालत बदलनी है اخلاقی और भी अगर कु कर सके इकोनॉमिकली वो भी करें और फिर टेक्निकली या हर्ब्स या कोई और हो। हमें आमों से या पेड़ों से नहीं है वी वॉन्ट टू है उनकी नीड्स को हम किसी तरीके से कंपनसेट कर सकें दिस इज आवर वे ऑफ डूइंग थिंग अब गवर्नमेंट्स करना चाहें या ना करना चाहें हर आदमी अपने मकाफात अमल तक पहुंचेगा ये आपको मैं बात बताऊं देर विल बी हिस्ट्री हिस्ट्री इज रिटर्न हमने अपनी कोशिश करके इनको बता दिया है ये करना चाहिए तो ये करें, करें नहीं करना चाहते तो हम तो पैनिक नहीं हैं जेम्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है और ये सिर्फ वेलफेयर के लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए आपकी नॉन प्रॉफिट कंपनी है ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमैनिटी के लिए आपने ये सारी काوشे की हैं कोशिशें की हैं तो अभी तक आम सरप्राइज्ड के गवर्नमेंट के रिस्पांस इतने कूल cool क्यों है इतने स्लो डाउन क्यों है क्यों नहीं उन्होंने अभी तक आपके इस टेस्ट को आगे लेकर गए या इसको लॉन्च करने में आपको क्यों नहीं सपोर्ट किया मैं यही जो बाकी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी यही सोच रहे होंगे मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना ये सजेशन लिखें जिस तरह से पहले हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल इन दिस लॉन्चिंग सो आपका क्या ख्याल है आप क्या समझते हैं के जो इस तरह के पब्लिक वेलफेयर में काम करने वाले लोग उनको प्रमोट करने के लिए हमारी क्या उसमें कोशिशें होनी चाहिए और किरदार होना चाहिए और एज बियंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसमें क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें आएगी सी तो ताहिर साहब आई लेट यू टू कैरी ऑन ऑन योर पॉइंट नाउ

देखें जो कई मेडिसिन हैं जैसे पैरासीटो ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ही उसको तैयार किया है कोनीन से जो एक हर्बल थी उससे क्लोरोक्विन आई जो मलेरिया के लिए ज्यादा इफेक्टिव है तो मैं ये नहीं कहता कि सारे रोल उनके खराब हैं नहीं लेकिन इस वक्त बात सिर्फ ये प्रॉफिटेबल कोरोना वायरस की मेडिसिन की कर रहे हैं ना कि ये इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन

असल में ये है कि आज की दुनिया मेटीरियलिस्टिक है ये हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है ये क्रेजी हो चुके हैं इनकी कॉग्निशन में स्वाय मनी अ शाइनिंग वर्ल्ड इसके अलावा कोई चीज़ उनको नजर नहीं आती रहना हमने सिक्सटी सेवनटी एटी ईयर्स है और सामान हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि शायद वो सारा हमने इनकी कबर में भेजना है और वो जन्नत में आगे लेके जाना है बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड पीपल डोंट हैव टाइप ऑफ बिलीव्स इनके वो एक लिमिटेड अप्रोच है जिसके तहत वो रहते हैं जहाँ पे इंसानियत मजरूह हो जाती है अगर लोग अपने ज़मीर को जिंदा रखें वो सोचें मैं कहाँ से आया कहाँ जा रहा हूँ मैंने कितनी जिंदगी मैंने कितनी रोटियाँ खानी हैं एक दिन में बिलियन मैंने कठे कर लेने नहीं ले ले कर जाने। ये exactly. ये जो के लोग परेशान है गवर्नमेंट परेशान है और आप जैसे लोग जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि ये दुनिया कब एंड होने जा रही है ये क्या सिलसिला चल रहा है हकीकत का तो सिर्फ अल्लाह की जात को पता है हम लोग तो प्रडिक्ट नहीं कर सकते हमें तो वही समझ लगता है जब हमारे सर पे पड़ जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लाइफ स्टाइल है जिस तरह से आपने बात की कि लोगों का वे ऑफ थिंकिंग वे ऑफ ईटिंग वे ऑफ स्पोर्टिंग टू ईटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अलावा जो सबसे जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं अक्सर लोग बताते हैं कि इस हालात में आपने क्या करना है इम्यूनिटी के लिए Immunity के लिए गुड एक्सरसाइज होनी चाहिए स्लीप आपकी एट आवर्स होनी चाहिए मिनिमम ठीक है जब भी आपके अंदर कोई भी स्ट्रेस आए लाइफ का भी स्ट्रेस आए इन दिनों में तो स्ट्रेस के उस थॉट को जो ही वो एंटर हो ये आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं टिप दे रहा हूं उसको आइडेंटिफाई करें कोई भी थॉट आए जो स्ट्रेस क्रिएट कर जिसे कहते हैं कॉगनेटिव डिसोनेंस क्रिएट करना उसका डिसोनेंस क्रिएट करना उस थॉट को आइडेंटिफाई उससे रहे। उसको कहें आगे यो बिन बेमान काइंडली तुम सोफे के ऊपर बैठो मैं पीऊंगा बाद में मैं ऑप्शन निकालूंगा क्योंकि हर प्रॉब्लम है किसी को की प्रॉब्लम है किसी को बड़ों की प्रॉब्लम है किसी को पैसे की प्रॉब्लम है किसी को यानी सो थिंग्स बहुत इशूज है लोगों के घरों में डिवोर्स के इश्यूज हैं पैसे के इशू exactly. हैं इकोनॉमी के इश्यूज हैं exactly. फ्यूचर के इश्यूज हैं अभी लॉकडाउन हो गए तो लोगों के घरों में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है बर्दाश्त की कमी है ये इतने सारे इश्यूज हैं ऑलरेडी तो ऊपर से ये जो तो... बीमारी है वबा है इसका मिलके सामना करना और उसके लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना एक दूसरे के लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए क्रिएशन करना और एक दूसरे को अवेयरनेस देना दो चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई एक के थॉट को आइडेंटिफाई करना जो स्ट्रेस क्रिएट करती हो नंबर वन दूसरा रिएक्शनरी रिस्पांस होती है जब एक आदमी कोई बात करता है आपके अंदर ही तूफान उबल रहे होते हैं आपने अपने आप को कंट्रोल करना है इन दिनों में आप दो मिनट ले लें तीन मिनट ले लें कहीं मैं पानी पिया हूं फिर बात करता हूं आप देखें कि वो जो आपने मिनट गुजारना है जब आपको गुस्सा आ रहा है जाके पानी का गिलास पिए पी पीने के बाद आके आके बात करें आपके अंदर अवेयरनेस होगी बट यू आर गोइंग टू स्पीक नाउ तो आपने देखें एक दस रुपए का नुकसान हो रहा है एक मामले में आप लड़ाई झगड़ा करके पूरी जिंदगी का मामला खराब कर रहे हैं एक दूसरे से एक फैमिली है वो छोटा सा नुकसान हो गया क्या हो गया लेट इट गो हो जाते हैं नुकसान लेकिन आप लड़ाई झगड़ा करके तो आप लाखों का नुकसान कर रहे हैं पूरे निज़ाम को आप तबाव बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शनरी रिस्पांस को कंट्रोल करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिनों अब अगली चीज आ गई उसमें हैं आप मिनरल्स जो हैं जो बाजार में अवेलेबल है क्योंकि आजकल मॉडर्न स्टाइल है कहते हैं टेबलेट खा लें तो वाइटाम वाली फूड ना खाए तो मल्टी मिनरल्स आप टेबलेट्स जरूर लें वो इम्यूनिटी के लिए हेल्प करती जिसमें है जिसमें आयरन है सिलेनियम है कैल्शियम है पोटाशियम है ये सारे आपको हेल्प करते हैं तो उसके बैलेंस अच्छा, लोग तो मल्टी, मल्टी, अच्छा, मल्टी मिनरल वाइटामिन सेपरेट ये दोनों ये आपके पास होने चाहिए अब आ गया फूड का मामला तो फूड में सबसे जरूरी इस वक्त है कि यू ईट एवरी टाइप ऑफ प्लांट यानी जो खाते हैं हम जिस किसम की भी सब्जियां हैं जो भी फ्रूट्स हैं आपका काम है उनको खाना क्योंकि प्लांट्स के अंदर टेक्टिकल आप कहें स्ट्रेटेजी मौजूद है अगेंस्ट वायरस जब ये खाएं फ्रूट्स तो हम वैसे खाते हैं लेकिन सब्जियों की तरफ आते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अब ऑयल का इस्तेमाल कम करें अपनी हांडियों में उसमें हर किस्म का स्पाइस भी यूज करें ये जितने स्पाइसेस हैं ये भी प्लांट्स हैं लेकिन कुछ लोग तो, तो ये भी तो... कह रहे हैं कि जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलिव ऑयल ज्यादा खाए इसके बारे में क्या कहेंगे आप अब एक आदमी ओलिव ऑयल तक उसको उसकी सोच अगर महदूद है वो समझता है कि सिर्फ ओलिव ऑयल के अंदर ही सारे टेक्टिक्स हैं जो के दूसरे प्लांट्स में होते हैं तो ये उसके ऊपर रिसर्च चाहिए हमें मैं तो कह रहा हूँ कि ओलि ऑयल के प्लांट के अंदर भी खास किस्म के आप कह लें एंटी वायरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ओलि ऑयल के अलावा सनफ्लावर है उसके अंदर भी हैं हर चीज़ जो प्लांट से बन रही है वो आपका काम है लेना लेकिन ऑयल कम खाएं इसलिए हांडी में कम डालें ताकि जो वेजिटेबल्स के अंदर राइट प्रोटीन मिनरल्स हैं आपने हांडी को बाइल्ड हांडी खाना है इस दफे जैसे यानी भून भूना नहीं देना सब्जी okay. कोई भी हो डाल डालें भूनना नहीं है ऑयल okay. कम डालना है क्यों कम डालना है उसकी भी आपको वजह मैं बताता हूँ लेकिन पहले हांडी में हर किस्म का स्पाइस डालें हल्दी डालें एंटी इन्फ्लेमेटरी है गार्लिक डालें बहुत अच्छा है एंटी कॉगलेंट भी है उसके अलावा आप प्याज डालें और ये सारी जितने भी मसाले हैं थोड़े थोड़े हर एक चीज़ को डालें लेकिन गार्लिक और जिंजर के ऊपर ज़्यादा जोर दें दिनों हर हांडी में और बाइल्ड बाइल्ड टाइप आप खाएं बाइल्ड में जब मसाले डालेंगे टेस्ट आपको बहुत अच्छी आएगी ऐसी बात नहीं है सिर्फ ये कि वो भुना नहीं होगा उसमें वो वाला ऑयल नहीं होगा चीजें कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा जो उसके एक वाइटमिन सब्जियों के हैं प्लांट्स हैं तो उसके आपके हेल्थ को ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे सो ताज़ा महमूँ साहब आप चूंके uh, एक बिग प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रहे हैं uh, और ये जो भी मेथोलॉजी uh, इसके साइंटिस्ट रहे हैं आपके uh, बाकी रिसर्च ग्रुप के और बहुत सारा आपने पहले काम किया है अभी ये जो आपने प्लांट बेस्ड मेडिसन को इन्वेंट uh, किया है तो कितने नॉर्वे में और कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम किए नारे हर आदमी थे और कुछ तो ओवरसीज हम कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर थे से, और कुछ फिलपिन से और तीन चार माइक्रोजिस्ट पाकिस्तान से और फिर इसी तरह डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर पाकिस्तान से तो ये एक मिक्स था और ये अल्लाह की मेहरबानी है मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप Uh, कभी भी इस शॉर्ट टाइम में इतने बड़े चैलेंज की तरफ आप बढ़ें और यही वजह है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वो कंपनी जिन्होंने मिलियंस यूज किए हैं जी उनसे नहीं बना आप उठ के आके क्लेम करना शुरू हो गए हैं और मैंने कहा क्लेम है सब्जेक्ट टू क्लिनिकल टेस्टिंग ये तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम अब महसूस कर रहे हैं इन आवर हाइपोथेटिकल वे कि जो हमने सोचा था जो एफ हमें चाहिए थी उतना ये इफेक्टिवनेस है मामला के ये लिपर को तोड़ती है इसमें इंफ्लुंजा वायरस को के अगेंस्ट हम चेक कर चुके हैं अब कोविड के पेशेंट तो मेरे पास नहीं है लेकिन कोविड के सिमिलर पेशेंट जिनको नमोनिया हुआ उनके ऊपर हमने टेस्ट किया है कि विदन थर्टी फोर्टी मिनट्स जिनको शिवरिंग हो रही थी कोल्ड चिलिंग वो एकदम ठीक हो गए विद इन थ्री टू थ्री आवर्स तो यानी थर्टी मिनट के बाद इसका इफेक्ट शुरू है ये जो कोरोना वायरस का वबा है ये कब तक आपको नजर आ रहा है ये वबा कब तक ये दुनिया का ये साथ छोड़ेगी ये कब तक आपको नजर आ रहा है कि ये वबा रहेगी दुनिया में कोविड की जो वबा है ये जिस तरह का ये फियर है लोगों के अंदर देखें जी वायरस ने हर शख्स से गुजरना है जैसे क्योंकि देर आर मिलियन ऑफ वायरसेस हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं ये वायरस लीथल है इसने मूव होना ही होना है मुख्तफ लोगों से अनलेस के इस वायरस की कंटैमिनेशन को हम रोक दें जैसे न्यूजीलैंड वालों ने रोका है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% इट्स ओवर जब तक क्योर नहीं होगा अगर क्योर होगा तो ये वायरस तकरीबन खत्म हो जाएगा प्रिवेंशन में इसको तो मिल सकता है जी जब किसी एक शख्स को कोरोना वायरस लगता है और वो रिकवर होता है तो कितना टाइम पीरियड नेचुरली रिकवर होने में कितना टाइम पीरियड लगता है आपके अंदाजे के मुताबिक नेचुरली डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ के ऑर्गन के ऊपर जो आदमी ट्रेनिंग करते हैं जो राइट फूड खाते हैं वो तो तकरीबन जैसे दूसरे इन्फ्लुएंजा में होता है सात आठ दिन उसमें वो हो जाते हैं रिकवर एंटीबॉडीज की स्पीड वही मैंने देखी है ये जो वायरस है दोबारा लगने के चांसेस होते हैं उसके बाद एक दफा जब रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा भी हो सकता है ये वबा जी बॉडी की जी बॉडी की जो एनक्रिप्शन है जैसे वो एक एक वायरस को डिकोड कर लेती है एंटीबॉडीज तो अगर वही वायरस हो तो उसको आइडेंटिफाई वो कर लेती है नेक्स्ट टाइम बॉडी और अगर हो भी तो वो दंगल एक दिन दो दिन होगा उसको काम होगा थोड़ी सी ऐसे छीके छुके आएंगी उसके बाद वो फिर ठीक हो जाएगा लेकिन अगर जाए। ये वायरस जो है हाँ जी लेकिन अगर स्टेन इसका नया आ गया है नया स्टेन जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है देखिए दो चीजें हैं इंटेंसिटी इसी वायरस की जो नई नस्ल है उसमें जरा स्ट्रांग इंटेंसिटी का आ गया है तो फिर भी आइडेंटिफाई बॉडी करेगी और उ, उ, उसको एक दफे फिर जंग करनी पड़ेगी कुछ दिनों के बाद लेकिन अगर स्ट्रेन नया आ गया उसकी किस्म नहीं आ गई उसका जेनेटिक सिस्टम नया आ गया नहीं उसी वायरस का यानी इसका अगर एक स्ट्रेन ए है बी है सी है जो चाइना में था वो यूके वाला नहीं है जो यूके में है वो इटली वाला नहीं है तो ये किसमें इसी वायरस के स्ट्रेन हैं अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई दूसरा स्ट्रेन है और वो, वो ज़्यादा इंटेंसिव है तो फिर दोबारा एक वही सिलसिला शुरू हो जाएगा बहुत शुक्रिया ताहर महमूद साहब आपका कीमती वक्त हमें देने का क्योंकि अभी आपने मीटिंग में भी जाना है मैंने रियलाइज किया है कि आपकी दूसरी मीटिंग का भी टाइम हो गया है आप लास्ट मैसेज पब्लिक को क्या देना चाहेंगे अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से जी, मैं ये देना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली इस टीवी चैनल के ऊपर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और मोस्टली मुसलमान हैं और बिलीव करते हैं और अगर नहीं भी है तो कोई भी तो खुदा के ऊपर बिलीव करते होंगे चाहे क्रिश्चन हो कोई भी हो तो जो सबसे बेस्ट तरीका है इम्यूनिटी के फियर से निकलने का वो खुदा के ऊपर यकीन का है ये वो एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा उसने कहा कि इफ़ देर इज़ नो गाड स्टिल वी नीड बन मकसद कहने का ये है कि जब आपका यकीन कामल हो कि मेरा रब मेरी महाफज करेगा तो आप फियर की हालत में नहीं आएंगे जो भी हो रहा है ये मेरे रब की तरफ से हो रहा है इफ़ यूटेड इट विल है जी वो सुपर पावर है मेरे सब मामले में या वायरस उसके आगे क्या है इस तरह का डायलॉग करें अपने साथ और कोशिश करें कि रब का जिक्र करें उसकी जिक्र टेप रिकॉर्डिंग की तरह हमारे एक अजीज थे तो वो टट जाते थे तो उधर चारों आदमी मर जाते थे एक हादसा वो हादसे की खबर चल रही होती है वो इधर सुबह कर रहे होते तो मकसद का ये है कि आप फुल फोकस के साथ अल्लाह का जिक्र करें और बिलीफ क्रिएट करें आप अंदर आप सोल जी है और तमाम बीमारियां उस वक्त पैदा होती हैं जब आपकी सोल वीक होती है अगर सोल मजबूत होगी तो सोल जो है ये मोस्ट क्लोजेस्ट लिंक है जो खुदा के साथ है जहां हमने जाना है तो इसको मजबूत करें इसको मजबूत कर जो ही करेंगे आप, आपकी बॉडी के सेल्स को बड़े स्ट्रांग मैसेजेस मिलेंगे यानी किसी किस्म का भी वायरस उतना इफेक्टिव नहीं होगा तो इसलिए सफाई रखें प्रिवेंशन के रूल्स को मद्देनजर रखें अपनी गवर्नमेंट के साथ रिफ़ार्मेटिव एटीट्यूड रखें तनकीदी नज़र को रिफार्मेटिव लेके जाए हर चीज़ में लड़ाई झगड़े की बजाय एक पुरमन तरीके से समझदारी से वो जो कमज़ोर अगर कोई लीडरशिप भी हो किसी मुल्क की उनको लिखें उनको बताएं ये हमारा तरीका होना चाहिए लड़ाई झगड़े वाले कामों से बचें घर में भी बाहर भी अपनी स्टेट के साथ भी बी गुड सिटीजन खुदा के जिक्र को साथ रखें और खुदा के ऊपर तवक्कल को मजबूत करते जाएं इन दिनों में खास तौर पर क्यों कहें कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ठीक करेगा जब ये मैसेज आप भेजेंगे तो अगर ये नहीं भेजेंगे तो क्या होगा आपको मरने वालों की खबरें देखने के बाद आप समझेंगे कि मुझे करोना हुआ है मैंने भी मरना है अगले छह घंटे में अब इम्यूनिटी की जो डिवेलप होनी थी इन आवर्स विद इन सेवन डेज अब वो थर्टी डेज में होगी अगर आप खुदा के ऊपर तवक्ल नहीं रखेंगे अपने आप को गुड होप नहीं देंगे अपने नफसियाती और मॉडरेट नहीं करेंगे होंगे आपके जी। बहुत हाँ, शुक्रिया का थैंक यू मच और अल्लाह साहब की हिफाजत रखे और तमाम मेरे बहन भाइयों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और ख़ास तौर तो पे वो गरीब मस्कीन, फकीर यतीम उन लोगों की जितनी भी कोशिश कर सकते हैं उनकी करें ये आपके पास एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नबी पाक अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अ खुदाया रोजे हशर मेरा हिसाब किताब ये गरीबों मस्किनों यीमों के साथ करना ये क्यों कहा था नबी पाकली वसलम ने इसका कोई मतलब है और बड़े डीप डाउन मीटिंग्स मीनिंग्स हैं आप कोशिश करें इनके साथ इस दुनिया से अटैच होकर अगली दुनिया तक पहुंचे अगर यहाँ पे नहीं इनसे अटैच होंगे हमदर्दियों के साथ तो वहां पे भूल जाएँ इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी हालांकि कितने रफीक थे कितनी मोहब्बत रखते थे गरीबों मस्किनों से इनसे ज़रूर करें इनसे जरूर करें मेरी ये पुरजोर अपील है हर गरीब भाई जिसके घर गाना नहीं है गरीब है आप थोड़ी सी रोटी दे कुछ नहीं दे सकते मुस्कुराहट दे दें हौसला अफजाई कर दें कुछ अच्छी बातें कर दें चार दिन वो जिंदगी के इस जिंदगी में अगर वो तकलीफ में या आजमाइश में है तो उसके भी आसान अल्लाह ताला कर दे, अल्लाह तब बहन भाइयों के लिए आसानी पैदा करें मेरी तो आखिरी यही दुआ है आप सबके लिए थैंक यू थैंक यू सो मच नाजरीन अभी आप देख रहे थे प्रोग्राम वबा के हवाले से और हमारे साथ मौजूद थे साइंटिस्ट ताहर महमूद जिन्होंने एक प्लांट बेस्ड मेडिसन जो है वो डिस्कवर की है और उसको इन्वेंट किया है अभी वो लॉन्च करने जा रहे हैं मुख्तु ममालक को उन्होंने लिखा है और जैसे ही ये किसी टेस्ट कोई इस पे टेस्ट कर लेते हैं कुछ शख्सियात पर तो उसके बाद बाकायदगी से इसका लॉन्च हो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनका वर्क जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है सो so, इसी तरह से लास्ट मैसेज में ये कहना चाहूँगी कि अपने आपको मजबूत रखें अपनी सिकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखें फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रखें और अच्छी खुराक खाएं। जिसमें आपके मल्टी वाइटमन्स मल्टी मिनरल बहुत ज़रूरी है और आपकी प्लांट बेस्ड सब्जियां खाएं और उसको ओवर कुक ना करें ये थे आज के टिप्स जिसके तहत हमें ताहर साहब ने ये बात एक पॉजिटिव बताई है कि इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप नेचुरली बी रिकवर हो जाते हैं और अपनी पॉजिटिव हैबिट्स को इंक्लूडिंग योर मेडिटेशन इंक्लूडिंग योर प्रेयर्स और इंक्लूडिंग योर पॉजिटिव बिलीव इन अल्लाह जब आप ये सब करेंगे तो आपकी हेल्थ के जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों का ख्याल रखें दूसरों की हेल्प करें ये एक वबा पूरी दुनिया में फैली है और सबकी आजमाइश है जिसको कोरोना वायरस है उसकी भी आजमाइश है जिसको नहीं है उसकी भी आजमाइश है सो so, पॉजिटिवली अपनी कंट्रीब्यूशन करें इस दुनिया में एज ए ग्लोबल कम्युनिटी अपनी कंट्रीब्यूशन लेकर आए और दूसरों को हेल्प आउट करना सीखें बहुत शुक्र शुक्रिया नाज्रन आपका ये प्रोग्राम शो देखने का नेक्स्ट टाइम आपसे फिर uh, किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी और अभी uh, बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ करते हैं हम अपने गेस्ट को भी और सारे जो हमें व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग